अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद एसके। मैं हूँ शबीना खान और आज आप जैसा कि देख रहे हैं, मैं बहुत सिंपल सी और झटपट से बनके तैयार हो जाने वाली रेसिपी लेकर आई हूँ। तो ये है आलू के कतली की रेसिपी। इसको कई जगह पर आलू के चांदे भी बोलते हैं, बट हमारे यहाँ आलू की सब्ज़ी या आलू की कतली इस तरह से बोलते हैं। तो इसको बनाने में बहुत ही कम समय लगता है और सुबह नाश्ते में या टिफ़िन में, लंच बॉक्स में आप किसी भी तरह से इस रेसिपी का यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैंने बनाया है अपने मैजिक मसाले के साथ, जो मैंने आपको बताया था इंशाल्लाह 50 से ज़्यादा रेसिपी में जाने वाला है। तो मैं इसको कई रेसिपी आपको दिखाती रहूँगी इसी तरह से। तो ये हमारा मैजिक मसाला और मैंने जो आलू लिए हैं वो 300 ग्राम है, उनको कतलियों में कट कर लिया है। और 2 से 3 मैंने यहाँ पर टमाटर लिए हैं, 1/2 टीस्पून से कम ज़ीरा है, हरा धनिया है और 2-3 हरी मिर्च हैं, वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लें। आपको जितना तीखा या कम तीखा पसंद है आप उस तरह से ले लें। तो ये जो हमारे मसाले की रेसिपी है, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप ज़रूर से ज़रूर इसको अपने किचन में शामिल करें। उसके बाद मैंने यहाँ एक कढ़ाई में लिया है ऑयल मैंने सरसों का लिया है और उसमें ऐड कर दिया है अपना ज़ीरा जो आपको दिखाया है। ज़ीरा हल्का क्रैकर हो जाएगा। उसके बाद अपने जो आलू मैंने इस तरह से कट किए हैं कतली के शेप में, तो उसको ऐड कर देंगे और हल्का सा मिक्स कर देंगे। यह आलू की सब्ज़ी बहुत जल्दी और झटपट बनके तैयार हो जाती है। तो अगर आपको कभी भी बहुत जल्दी में सुबह नाश्ते में कुछ बनाना हो तो आप इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। ये बिल्कुल ड्राई सब्ज़ी बनके तैयार होगी, इसमें बिल्कुल भी ग्रेवी वगैरह नहीं होगी। आगे आप देखेंगे मैंने किस तरह से इसको तैयार किया है। अब ये मैंने अपना मैजिक मसाला ले लिया है और उसको मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसमें नमक पहले से ही शामिल है तो मैं इसमें नमक को ऐड नहीं करूँगी। अगर आपको कम या ज़्यादा लगता है तो आप अपने हिसाब से इसमें नमक को ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर नमक का इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि हमारे मसाले में नमक ऑलरेडी मिक्स है। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है टमाटर जो आपको दिखाए थे, वो इस तरह से कट कर लिए हैं। अगर आपको इस तरह से कट करने हैं तो कट कर सकते हैं, अगर आप अपने तरीके से करना चाहते हैं किसी भी तरह से आप कट करके इसमें ऐड कर दें और उसको हल्का मिक्स कर दें आलू के साथ, और गैस की फ्लेम को कर दें बिल्कुल स्लो। जब गैस की फ्लेम स्लो होगी तो ये आपके आलू ऑयल के साथ बिना पानी के ही तैयार हो जाएंगे। और किसी भी सब्ज़ी में बिना पानी की जब आप बनाते हैं तो उसका टेस्ट बिल्कुल अलग होता है। अगर आप उसमें पानी ऐड कर देंगे तो उसका टेस्ट बिल्कुल बदल जाता है। तो मैंने यहाँ पर पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया है। तो आप इसी तरह से इसको टमाटरों के साथ मिक्स कर दें और ढक के कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर छोड़ दें। तो 5 से 10 या 8 मिनट के अंदर ही आप इस तरह से, मैंने बीच में इसको खोल के देखा था तो ये आलू बिल्कुल पूरी तरह से गल गए हैं। और गलने के बाद मैंने इसमें देखा है कि कहीं कसर तो नहीं रह गई है। अगर कसर रह गई है तो आप 1-2 मिनट के लिए और छोड़ सकते हैं, वरना इसमें की ज़रूरत नहीं लगेगी। और यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसी तरीके की झटपट से बनने वाली रेसिपी और मज़ेदार रेसिपी के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको किस तरह की रेसिपी और आगे देखनी है। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि आप जिस तरह की रेसिपी बोलेंगी मैं उसी तरह की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन अपने तरीके से। तो देखिए, बातों ही बातों में हमारी आलू की कतली भी बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इसको ज़रूर से ज़रूर लाइक करें। और देखिए, यहाँ पर ये सर्व करने के लिए बिल्कुल हो गई है रेडी। तो मैंने यहाँ पर इसको पराठों के साथ सर्व किया है। आप चाहे तो इसको रोटी, सब्ज़ी, पूड़ी या फिर पराठे, या फिर आप अपनी चॉइस के हिसाब से किसी भी चीज़ के साथ इस सब्ज़ी को ले सकते हैं। आलू की सब्ज़ी एक ऐसी सब्ज़ी है जो हर घर में बनने वाली रेसिपी होती है। तो कभी इस तरह से भी ट्राई करें। आलू की तो नई नई रेसिपी और अलग अलग तरीके से बहुत लोग बनाते हैं, लेकिन कभी हमारे तरीके से ट्राई करें और ट्राई करके मुझे ज़रूर बताएं। मुझे ये उम्मीद है इंशाल्लाह आपको हमारी सारी रेसिपीज़ पसंद आएंगी और बनाने के बाद ही आपको पता चलेगा कि इनका टेस्ट कैसा है, जैसा मैं बोलती हूँ वैसा या फिर कुछ अलग। तो आप ज़रूर बनाएं और ज़रूर से ज़रूर बना के मुझे बताएं कि आपने बनाई और आपके घर वालों को और आपको कैसी लगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ नई रेसिपी के साथ मुलाकात करूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में ज़रूर याद रखें। मिलते हैं अगली नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।